यहाँ पर एक अहम खबर ये, अब से कुछ देर पहले जब मीडिया के सामने मुखातिब हुए, अपने समर्थकों के सामने आए डोनाल्ड ट्रंप, तो उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। उनका कहना ये है कि कई जो बाद में जो बैलेट्स भेजे गए हैं मेल के जरिए वो मान्य नहीं होंगे और इसको लेकर धांधली हो रही है और हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। पोलिंग खत्म होने के बाद कई जगह पर वोट डाले गए हैं, उनका ये कहना है। सुप्रीम कोर्ट से इस तरह के वोट्स को रद्द करने की मांग की जाएगी, ट्रंप की तरफ से इशारा किया गया। और साथ ही ये कहा गया कि हम पहले ही सेलिब्रेशन के लिए तैयार थे, बीच में हमको सेलिब्रेशन कॉल ऑफ करना पड़ा, लेकिन हम बता दें आपको कि हम एक बार फिर से बाहर निकलेंगे और जीत का जश्न हम ही मनाएंगे। जो बिडेन ने भी ये दावा किया है कि हम सही ट्रैक पर जा रहे हैं और आगे जीत हमको दिखाई दे रही है। ट्रेंड्स के मुताबिक अभी जो बिडेन आगे चल रहे हैं और आप इधर देखें, ट्रंप 213 पर नजर आ रहे हैं, 238 पर नजर आ रहे हैं, जो बाइडेन 270, ये है फिनिशिंग लाइन। और ये कहा गया आपसे कुछ देर पहले एक्सपर्ट्स की तरफ से कि अगर पेंसिल्वेनिया की आवश्यकता हुई 270 के करीब पहुंचने के लिए, तभी पेंसिल्वेनिया और फिर कोर्ट का रास्ता आगे दिखाई दे रहा है, वरना चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। पुष्पेश पंत साहब के पास एक बार मैं फिर से जाना चाहता हूं। पुष्पेश पंत साहब, आपने ये कहा कि लोकतंत्र के लिए ये अच्छा इशारा नहीं कि आखिरकार कोर्ट से स्थितियां साफ होंगी, अमेरिकी लोकतंत्र के लिए, अमेरिकी लोकतंत्र के लिए जाहिर है, क्यों इस तरह की स्थिति में, और ये पहली बार नहीं है, ना ये सड़कों पर होने वाली हिंसा पहली बार है और ना ही कोर्ट जाने की ये बात पहली बार है, तो क्या ये समझा जाए कि वहां इवॉल्व नहीं हुई डेमोक्रेसी अभी जितना हो जाना चाहिए, या फिर यहां पर ये अपरिहार्य अंग है जो दिखाई दे रहा है? आपने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। हम लोग ये मानकर चलते हैं कि जो जनतंत्र पश्चिमी देशों में है वही आदर्श जनतंत्र है। यदि आप देखें जितना पैसे का दुरुपयोग हुआ होता है वो अमेरिकी जनतंत्र में, वो जो विलियम मैनचेस्टर की किताब का शीर्षक ही सेलिंग ऑफ द प्रेसिडेंट था, और कल एक वर्ष पहले जब केनेडी और निक्सन की मुठभेड़ हुई थी, जिस तरह से माध्यमों का वहाँ दुरुपयोग होता है, जितने अरबों खरबों डॉलर जमा किए जाते हैं और जो चंदा देते हैं अपनी अपनी पार्टियों और उम्मीदवारों को, वो उसके बदले में क्या प्रतिदान चाहते हैं सरकार से, ये अमेरिका में अनेक बार उजागर हो चुका है। बड़ी कंपनियों की, बहुराष्ट्रीय कंपनियों की क्या भूमिका रहती है, फेसबुक जैसे नए सोशल मीडिया क्या रोल अदा करते हैं, और आज जो हिंसा की छिटपुट घटनाएं बड़ी अशोभनीय को देखने को मिल रही हैं, वो क्या किसी विकासशील देश में अफ्रीका, एशिया, लेटिन अमेरिका के बूथ कैप्चरिंग से बेहतर कुछ है? यदि आप ये कहते हैं कि समय के बाद वोट पड़ रहे हैं, हर चीज का फैसला अदालत में जाकर होगा, और दुर्भाग्य है कि काश में पूरी साहब की तरह आश्वस्त होता अमेरिकी जनतंत्र के बारे में, वहां की न्यायपालिका भी पक्षधरता से मुक्त नहीं है, क्योंकि वहां सत्ता के विभाजन का सिद्धांत प्रतिपादित किया जाता है, मगर न्यायमूर्तियों की नियुक्ति राजनीतिक पार्टियां करती हैं, और आज वहां के सर्वोच्च न्यायालय में जो दक्षिणपंथी अनुदार या उदार जजों की अनुपात है वो 5-2, 4-2 पहले था, अब 4-2 हो गया है। तो मेरे ख्याल में जब जिस हालात में जज बैरेट की नियुक्ति की गई थी, तब से बात बिल्कुल स्पष्ट थी कि इस बार ट्रंप चुनावों को ले जाएंगे घसीटकर अदालत तक, एक पक्ष है। मगर जो मुझे जनतंत्र के लिए, दूसरी अमेरिकी जनतंत्र के लिए दूसरी बात चिंताजनक लगती है, हम ये मानकर चलते हैं कि वहाँ की जो संघीय व्यवस्था है वो भी एक आदर्श व्यवस्था है, मगर वहाँ की संघीय व्यवस्था उस तरह की संघीय व्यवस्था नहीं जहाँ केंद्र शासक होता है भारत की तरह। संघीय व्यवस्था अन्यत्र भी बहुत जगह है, कैनेडा में है, ऑस्ट्रेलिया में है, नाइजीरिया में भी है। तो संघीय गणराज्य जो होता है उसकी जो व्यवस्था है, वो हम अमेरिका को आदर्श माने या जनतंत्र के वेस्टमिंस्टर मॉडल को आदर्श माने जो हमने अपनाया हुआ है। तो जनतंत्र का एक राष्ट्रपति वाला मॉडल है और एक प्रधानमंत्री काबीना सरकार वाला मॉडल है, और वो मॉडल भी जो ब्रिटेन का है वो सर्वत्र उसी तरह से लागू नहीं हुआ है। जो ब्रिटेन के उपनिवेश थे उन्होंने उस जनतंत्र को अपनी तरह से बदला है, कई जगह भ्रष्ट किया है। तो मेरे ख्याल में जो फरीद जकरिया का मुहावरा था कि जो एक डिस्टॉर्टेड डेमोक्रेसी है, एक विकृत जनतंत्र है, हमारा जनतंत्र तो विकृत है, उनका आदर्श है, तो आज वो नजर आ रहा है कि कितना आदर्श है। तो मुझे लगता है कि ये विषय अमेरिकी नागरिकों का है कि वो अपने जनतंत्र के क्या रक्षा करते हैं, वहां की संघीय व्यवस्था का क्या होता है। हमारा सरोकार सिर्फ इतने से है कि अमेरिका में कोई भी शासन आता है, नया या पुराना, तो भारतीय राष्ट्रहित को किस तरह प्रभावित करता है। बहुत महत्वपूर्ण बात पुष्पेश पंत साहब की तरफ से, और ये भी कि जहाँ किस कुछ हीन भावनाएं पाल ली जाती हैं किसी एक सिस्टम को फुल प्रूफ मानते हुए, वैसी आवश्यकता नहीं है। आप देखें कि सब जगह पर एक सतत प्रक्रिया है इवॉल्व होने की चल रही है, और इसमें किसी को कमतर किसी को बेहतर मानने की आवश्यकता नहीं है। फिक्र आपकी सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।